गंगा। इसका तात्पर्य है अगर हमारा दिल साफ है, अगर हमारे मन में कोई मैल नहीं है, तो ना हमको मैहर दर्शन करने जाना है, ना तो गंगा नहाना है, सुन रहे हैं, ना तो जम्मू कश्मीर वैष्णो धाम दर्शन करना जाना है। आप बहुत तीर्थ यात्रा कर लिए, बहुत धामों में टहल लिए, लेकिन अंदर से अगर आप का मन साफ नहीं है तो सारा धर्म आपका क्या हुआ, तीर्थ यात्रा क्या हो गई, बेकार। एक बहुत प्राचीन काल की बात है, एक संत थे, उनका नाम था रैदास। जैसे कबीरदास संत हैं, उसी तरह एक संत थे रैदास। वो क्या काम करते थे, वो चमड़े का जूता बनाते थे, चमड़े का जूता। शाम को चमड़ा कठौती में भिगो देते थे। पहले जो जूता बनाता था उसके पास एक कठौती होती थी, उसमें चमड़े को भिगोया जाता था, और जब चमड़ा उसमें भीग जाता था सुबह उसको काट कर और सील कर जूता बनाया जाता था। तो संत रैदास भगवान के भक्त थे, वो जूता बनाने का कार्य करते थे। जो भी जूता बनाने से समय बचता था वो भगवान का क्या करते थे, भजन करते थे। उस समय घोर पंडित वाद चल रहा था, लोग समाज में अनेक आडंबर कुरीतियां बुराइयां फैली हुई थी, छुआछूत चरम पर था, लोग उनको संत की श्रेणी में नहीं रखते थे। वो अपना मस्त रहते थे, जूता बनाते और भगवान का भजन करते। एक बार राजा का मंत्री गंगा स्नान करने जा रहा था, उसकी सवारी जा रही थी, सब लोग मंत्री के साथ स्नान करने जा रहे थे। जैसे वो मंत्री की सवारी रैदास के दुकान के पास रुकी, मंत्री ने पूछा, रैदास चलते हो तुम भी गंगा नहाने? संत रैदास ने कहा, अगर पहले से पता होता तो मैं गंगा नहाने चल देता, लेकिन मैंने किसी का जूता ऑर्डर लिया है, आज उसको जूता बना के देना है, उसका काम जरूरी है, अतः मैं गंगा स्नान नहीं कर सकता। और उन्होंने अपने कठौती में हाथ डाला और एक दमड़ी, जैसे आज रुपया पैसा चल रहा था उसी प्रकार प्राचीन काल में दमड़ी चलती थी। हम लोग आज एक रुपया दो रुपया बोलते हैं, पहले क्या चलती थी, दमड़ी चलती थी। और एक कठौती से एक दमड़ी निकाली और बोले कि मेरी तरफ से गंगा में भेंट कर दीजिएगा। सब लोग गंगा नहाए और गंगा नहा के चलने लगे, तभी मंत्री जी को याद आया कि रैदास ने दमड़ी दिया था, उसे मैंने गंगा में भेंट नहीं किया। वो उतरे और गए, जैसे ही दमड़ी को गंगा में भेंट करने लगे, अर्थात चढ़ाने लगे, वो जैसे हाथ छुआए गंगा जी में, वैसे दमड़ी सोने का कंगन बन गया। क्या बन गया? सोने का कंगन बन गया। मंत्री ने बड़ा आश्चर्य हुआ, मंत्री ने सोचा इस कंगन को मैं अगर अपने राजा को भेंट कर दूंगा तो राजा बड़ा खुश होगा, और वो कंगन लाए और ले जाके अपने राजा को भेंट कर दिया। राजा ने उस कंगन को अपनी रानी को भेंट किया, रानी ने उस कंगन को देखा, कंगन दिव्य था, अद्भुत था। रानी ने राजा से जिद किया कि हमें इसका जोड़ा चाहिए, जोड़ा समझ रहे हैं, एक ही हाथ का कंगन था, दोनों हाथ में चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, ये कंगन तुम कहां से बनवाए हो, उसी तरह मुझे दूसरा भी कंगन बनवा के दो, जो भी रुपया पैसा लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, उसकी चिंता मत करो। मंत्री ने हाथ उधर दिया, उसने सोचा कहीं इधर उधर तमाम सुनार की दुकान पे कंगन बन जाएगा। उस कंगन को लेके मंत्री नगर में टहलता रहा, उस तरह का कंगन कहीं भी कोई भी सुनार बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो परेशान हो गया और राजा के पास गया, बोला, महाराज दूसरा कंगन हम नहीं बन सकता। कहा, क्यों नहीं बन सकता? कहा, हम जहां से बनवाए थे वो आदमी चला गया। वो सही बात नहीं बताना चाह रहा था, अगर सही बात बता देता तो रैदास का समाज में नाम हो जाता। तब राजा ने कहा, चाहे जैसे हो, हमें इसी तरह कंगन चाहिए। अब राजा ने जब मंत्री को खूब डांटा तो अंत में वो डर के मारे बता दिया कि यह कंगन मुझे गंगा जी से प्राप्त हुआ, और सारी कहानी उसने राजा को बतला दिया।
राजा कहे ऐसा हो ही नहीं सकता कि दमड़ी को जल में डाल दो और कंगन बन जाए। राजा अपने सारे सैनिकों के साथ, महारानी भी, सभी संत रैदास की दुकान पर पहुंचाए। संत रैदास अपना वही चमड़े का जूता सिल रहे थे। इतने सारे राजा मंत्री को देख के अपना आसन छोड़ के उठ गए। बोले, आइए राजा साहब बैठिए, क्या काम है? राजा साहब ने कहा, हमने सुना है कि आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं। कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा कि इस कंगन का हमें जोड़ा दे दीजिए। तो संत रैदास ने कहा, भाई जोड़ा हम थोड़ी दे सकते हैं, या आप सुनार की दुकान पे लीजिए। तो मंत्री बोला, नहीं, हमने जो आपने जो दमड़ी दिया था, हमने जैसे ही गंगा में उसको स्पर्श किया वो कंगन बन गया, अब इसका जोड़ा आप ही दे सकते हैं। संत रैदास ने कहा, ठीक है। और उन्होंने अपने चमड़े की जो कठौती थी, जिसमें चमड़े को क्या करते थे, भिगोते थे, उसमें हाथ डाला और उसी तरह का दूसरा कंगन निकाल कर दे दिया। जबकि पहला कंगन कहाँ निकला था? गंगा जी में निकला था। और दूसरा कंगन कहाँ निकला? जिसमें चमड़ा भिगोया गया था। तो उसी जगह कहानी बन गई, मन चंगा तो कठौती में। संत रैदास का मन साफ था, अर्थात गंगा जी उनके कठौती में समा गई। अगर आपका मन साफ है, गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तभी आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।